Hey everyone, welcome to Bellicities. आप लोग सोच रहे होंगे कि दी YouTube पर तो आजकल नीट 2023 के लिए 2 month strategy, 1 month strategy videos अपलोड हो रही हैं, तो आप हमारे लिए बैकअप वाली वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हो? आपको भरोसा नहीं है क्या कि इस साल हमारा नीट क्रैक हो सकता है? बात असल में भरोसे की नहीं है मेरे बच्चे, बात ऐसी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेरेशन करते हुए आप लोगों को हर एक स्टेप सोच समझ कर रखना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक गलत स्टेप आपकी लाइफ रिग्रेट से भर सकता है और मैं नहीं चाहती तुम कुछ भी रिग्रेट रखते हुए नीट की प्रिपरेशन करो। बैकअप रखने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें तुम पर भरोसा नहीं, बैकअप रखने का ये मतलब है कि तुम सेफ साइड रखते हुए नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो और उसको ध्यान रखते हुए तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए कौन से 10 ऐसे बेस्ट कोर्सेज हैं जहां पर आप लोगों को हाई सैलरी भी ऑफर करी जाती है, आप लोगों का फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा और आप लोगों को उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, उसके बारे में बताने वाली हूँ। मैंने अपने चैनल पर काफी महीने पहले ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी हुई है बच्चों, जहां पर मैंने आप लोगों को 50+ कोर्सेज बताए हुए हैं जिनको पीसीबी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग वो 50+ कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ, आप लोग चेक करिएगा। लेकिन उन 50+ कोर्सेज में से भी कौन से 10 ऐसे बेस्ट कोर्सेज हैं जो आप लोगों के लिए सबसे शानदार रहेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है बीएससी इन लाइफ साइंसेज, जिसे कि सिंपल बीएससी कहा जाता है। तुम कहोगे दी मेरे पड़ोस में तो इतने सारे भैया दीदी हैं जिन्होंने सिंपल बीएससी करी हुई है, घर बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे और आप कह रहे कि हाई सैलरी वाली जॉब है। बच्चे इंडिया में ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब को करने के लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप लोग ग्रेजुएट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन करने के लिए सिंपल बीएससी से सबसे आसान और शानदार कोर्स और कुछ भी नहीं होगा। सिंपल बीएससी करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि अगर कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करने की सोच रहा है तो बीएससी के साथ साथ नीट प्रिपरेशन कंटिन्यू करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि बीएससी के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में जो सिलेबस होता है वो आपका 11th-12th के सिलेबस का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन होगा, जो कि आपकी नीट की तैयारी में भी मदद करेगा। तो सिंपल बीएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम अब इंडिया में कंडक्ट करवाया जा रहा है CUET। सिंपल बीएससी की ड्यूरेशन होती है 3 years। कोई सैलरी मैंने फिक्स्ड मेंशन नहीं करी है क्योंकि इट डिपेंड्स कि बीएससी के बाद आप किस सेक्टर में जाने के लिए फर्दर एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं। इस बीएससी करने के बाद आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप लोग बैंक पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप लोग बीएससी के बाद भी एमबीए कर सकते हैं मेरे बच्चे, और आप लोग बिजनेस सेक्टर में फाइनेंस मैनेजमेंट सेक्टर में भी एंटर कर सकते हैं। तो इंडिया में किसी भी सेक्टर में एंटर करना है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो ये सिंपल बीएससी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। मैं नेक्स्ट कोर्स की बात करती हूँ जो है बीएससी साइकोलॉजी, मेरा मन पसंदीदा कोर्स। अगर आप में से कोई भी बच्चा एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क करने की चाह रखता है तो इससे बेहतरीन कोर्स इंडिया में और कोई भी नहीं बच्चे। एंट्रेंस एग्जाम आपका CUET है। इस बीएससी साइकोलॉजी की ड्यूरेशन होती है 3 years। सैलरी 4-7 lakhs पर ईयर आप लेकर चल लीजिए। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल साइकोलॉजिस्ट, या फिर साइकोलॉजी में PhD करने के बाद आप लोग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, काफी बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये CUET क्या है। इंडिया में अब से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए आप लोगों को पहले ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CUET देना पड़ेगा बच्चे। इसके बारे में ऑलरेडी एक डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। CUET के फॉर्म्स ऑलरेडी रिलीज हो रखे हैं, 12th मार्च इसकी लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है। मैंने लाइव फॉर्म फिल करने की वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। CUET में क्लास 12th का NCERT बेस्ड सिलेबस पूछा जाता है। अगर आप लोग प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स यूज करने की बात कहें तो आप लोग पहले तो NCERT जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों का NCERT बेस्ड सिलेबस आएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग दिशा पब्लिकेशंस की गो टू गाइड फॉर CUET UG की बुक यूज कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट, हर सब्जेक्ट्स के लिए ये बुक्स अवेलेबल हैं बच्चों। इन बुक्स के फीचर्स की बात करूं तो इन बुक्स में आप लोगों को NCERT बेस्ड हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज 1-liner फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे। डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स भी प्रोवाइड कराई हुई है। हर एक चैप्टर से रिलेटेड MCQs प्रोवाइड कराए हुए हैं, और इन MCQs में CUET 2017 से लेकर 2020-21 के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। CUET 2022 के 3-4 सेट के सारे क्वेश्चंस भी इन बुक में आप लोगों को मेंशन कराए हुए हैं। CUET 2022 के लेटेस्ट पेपर पैटर्न बेस्ड 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं, जिनका डिटेल सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है। हर एक किताब में आपको 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे बच्चों, जिससे आप लोगों के CUET प्रिपरेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। तो दिशा पब्लिकेशंस की CUET प्रिपरेशन की इन बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं, आप लोग इन बुक्स को परचेज करते हुए अपने CUET की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बीएससी साइकोलॉजी के बाद अगला कोर्स आता है बीएससी इन वेटरनरी साइंसेज। वेटरनरी डॉक्टर बनने की अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप लोग एनिमल लवर है, एनिमल्स की मदद करना चाहते हैं, तो इससे
बेहतरीन कोर्स और कोई नहीं रहेगा। 5 years 6 months का एक कोर्स होता है बच्चों, 5.5 साल का एक कोर्स होता है। अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो 10 लाख पर ईयर इसकी सैलरी होती है। एवरेज ले लीजिए कि आप लगभग 80 से 90 हजार पर मंथ आप लोग कमाएंगे। देखो वेटरनरी हो या फिर बीएससी के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब हो, साइकोलॉजिस्ट, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट क्लिनिक में काम कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो। प्राइवेट में भी किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो या किस लेवल की कंपनी में बात कर रहे हो, वो आपकी सैलरी डिसाइड करेगा। तो वेटरनरी डॉक्टर अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं तो डिपेंड करता है बच्चे कि आप लोग 15,000 से 20,000 भी अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग गवर्नमेंट वेटरनरी डॉक्टर हो तो आप लोग कम से कम 80,000 तो महीना भर का कमाओगे ही कमाओगे, ठीक है। आप लोग ऐसा वेटरनरी डॉक्टर काम कर सकते हो, रिसर्चर काम कर सकते हो, आप लोग वेटरनरी प्रोफेसर की तरह भी काम कर सकते हो, कॉलेजेस में वेटरनरी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स आता है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स होता है बच्चे, सीयूईटी के थ्रू ही इसमें एडमिशन आप लोगों को मिलेंगे। 3 to 7 lakhs पर ईयर आप लोगों की सैलरी होगी। बीएससी एग्रीकल्चर में एक सबसे शानदार ऑप्शन, सबसे शानदार एम्प्लॉयमेंट रोल आता है कि आप एग्रीकल्चर और बैंक में काम कर सकते हैं। काफी ज्यादा लोग, मेरे काफी स्कूल टाइम के सीनियर्स थे जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर करा था, उसके बाद वो एग्रीकल्चर और बैंक में काम कर रहे थे। एज एन एग्रीकल्चरल ऑफिसर भी आप लोग काम कर सकते हैं, डिफरेंट रोल्स जो कि आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन एग्रीकल्चर बैंक्स, लैंड ज्योमेट्रिक सर्वेयर्स की तरह काम कर सकते हो, सॉइल फॉरेस्ट्री ऑफिसर्स की तरह काम कर सकते हो, ग्राफ्टिंग ब्रीडिंग एक्सपर्ट्स की तरह काम कर सकते हो। तो इन डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के बारे में आप गूगल में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर 4 इयर्स का एक कोर्स होता है। फिर आता है बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी। काफी ज्यादा नीट एस्पिरेंट्स सॉलिड बैकअप के लिए इस कोर्स को भी चूज करते हैं। इसकी ड्यूरेशन है 4 इयर्स। इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है जीपैट, एनटीए ही कंडक्टिंग बॉडी है इसकी। और हाँ, एक और चीज, जीपैट के फॉर्म भी ऑलरेडी रिलीज हो रखे हैं बच्चे। 6 मार्च इन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, तो आप लोग इसकी भी डिटेल चेक करिएगा। इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म फिल जरूर कर लीजिएगा। इसमें काम करने के बाद बच्चों देखो, अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो पीजी करिए, एम फार्मा कंप्लीट करिए। डिपेंड्स कि आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, वही आपकी सैलरी डिसाइड करेगा। देखो फार्मा करने के बाद काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि 7-8 हजार पर मंथ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, लेकिन वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाले 30 से 40 हजार पर मंथ भी अर्न कर रहे हैं। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, एम्स नर्सिंग के फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो रखे हैं। कोई एम्स से नर्सिंग करने में इंटरेस्टेड है तो फॉर्म फिलिंग वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है, वो भी देख लीजिएगा। 15 मार्च लास्ट डेट है एम्स नर्सिंग में अप्लाई करने की। बाकी नीट भी एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप लोगों को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है। 4 इयर्स इसके ड्यूरेशन है। 3 to 5 lakh पर ईयर आप लोगों की सैलरी होगी बच्चों। एज अ स्टाफ नर्स आप लोग काम कर सकते हो, रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो, नर्स एजुकेटर की तरह आप लोग रोल प्ले कर सकते हो, मेडिकल कोडर की तरह रोल प्ले कर सकते हो। कुछ और कोर्सेज जिनको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, बीएससी बायोमेडिकल साइंस, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, बैचलर साइंस इन न्यूट्रिशन, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप काम कर सकते हो, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्सेज 3 ईयर के कोर्स प्रोग्राम से बच्चों। देखो बायोटेक्नोलॉजी में ना इंडिया का इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन आप लोग सपोज किसी भी कॉलेज से बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो, उसके बाद अगर आप लोग सीएसआईआर यूजीसी नेट का पेपर देते हैं या फिर गेट का एग्जाम देते हैं, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में तुम्हें अगर एडमिशन मिल गया तो वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार है मेरे बच्चे। देखो ग्रेजुएशन में सच बताऊं तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता कि आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, अंडर ऑनलेस वो DU पंजाब यूनिवर्सिटी BHU लेवल का कॉलेज है। आप लोग ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद आप पीजी किस कॉलेज से कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस तो वही बढ़ाएगा ना, असली प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको पीजी ही दिलवाएगा ना, तो पीजी कहां से कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप में से कोई बच्चा अगर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में इंटरेस्टेड है, अगर भले ही आप लोग किसी प्राइवेट कॉलेज से जाकर भी बायोटेक्नोलॉजी करते हो, तो अपने फर्स्ट ईयर से ही गेट CSIR नेट एग्जाम को टारगेट कर लेना, ताकि तुम फॉरेन यूनिवर्सिटी या फिर इंडिया की किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से अपना पीजी का कोर्स परस्यू कर सको। तो ये 10 कोर्सेज मैंने आप लोगों को बताए हैं बच्चों। इनमें से किसी भी फील्ड में आप लोग इंटरेस्टेड है तो इसके बारे में डिटेल में पढ़िए। काफी ज्यादा कोर्सेज के लिए CUET के थ्रू ही एडमिशन होगा। CUET की फॉर्म फिलिंग वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, फॉर्म जरूर फिल करना। बेस्ट बैकअप तुम्हारा CUET एंट्रेंस एग्जाम ही है। तो CUET थ्रू बीएससी साइकोलॉजी, सिंपल बीएससी, बीएससी ऑनर्स में इंटरेस्टेड हो तो इन सभी में आप लोग अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अगर मुझे पूछे कि ऑनर्स ज्यादा सही रहेगा या सिंपल बीएससी ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग सिंपल बीएससी के लिए ऑप्ट करें, क्योंकि सिंपल बीएससी के जरिए आप लोग काफी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सिंपल बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे तो तीनों सब्जेक्ट्स के आप लोग टच में रहोगे, है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। Thank you so much for watching this video.